नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। चिट चैट सीरीज में आज हम ग्रुप एट कंट्रीज या ग्रुप सेवन कंट्रीज या ग्रुप ऑफ एट कंट्रीज कह लें, इसके संदर्भ में बात करने वाले हैं। यह 2014 तक, जब तक रूस इसमें था, यह G8 के नाम से जाना जाता था। अब इसे G7 के नाम से भी जाना जाता है, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज ना हो, मैं दोनों एस्पेक्ट्स को साथ रख के ही आपको समझाऊंगा। आपको बस इतना याद रखना है कि 2014 में रूस इससे अलग हो गया था, ठीक है। अब पहले हम जान लेते हैं G8 है क्या। G8 जो है एक विश्व के विकसित देशों का एक समूह है जो कि विकास के दौर में काफी आगे निकल चुके हैं। इसके अंतर्गत जो कंट्रीज हैं उसमें कनाडा, इटली, ब्रिटेन, यहाँ ध्यान रखिएगा ब्रिटेन और इंग्लैंड सेम ही है, कंफ्यूज मत कीजिएगा कभी भी, ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, जापान, फ्रांस, अमेरिका, आठ देश हो गए, 3, 3, 6, 2, 8, ठीक है। इन 8 देशों का समूह है। यह संगठन जो है 1975 से इनका समिट जो है लगातार चल रहा है। अब पहला समिट 1975 में हुआ था फ्रांस में, ये याद रखिएगा, ठीक है। उस समय इसे G6 के नाम से भी जाना जाता था, बाद में इसमें कंट्री जुड़ते गए तो G8 तक पहुंचा, ठीक है। अभी हाल फिलहाल का बस इतना इसको याद रखिएगा, 1975 में G8 का पहला समिट हुआ। अब हम बात करते हैं 2016 में, 17 में और 18 में, चूंकि 16 में सबमिट हुआ है तो ये याद रहना चाहिए हमें। मान लीजिए कि वो पुराने पूछ ले किसी भी एग्जामिनेशन में, तो हम 16, 17, 18 ऐसे 21 तक इन्होंने घोषित कर दिया है, तो उतना आगे नहीं जाने की जरूरत है, 18 तक काफी रहेगा, 18 या 19 तक कर लो, ठीक है। 16 का जो सबमिट हुआ था वो जापान में हुआ, 17 की सबमिट इटली में होगी, ये मई में है, मई 26, 2017, ठीक है। 2018 में जो सबमिट होगी वो कनाडा में होगी, और जो 19 की सबमिट है वो फ्रांस में, इतना याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गए। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं कि इसे कैसे याद रखा जाए। इसका भी फॉर्मूला काफी आसान है। यहाँ जो क्रम है नामों का, यही क्रम है फॉर्मूला का भी। देखिए, क कनाडा के लिए क, इटली के लिए ई, ब्रिटेन के लिए ब या बा रखिए, रूस के लिए र, इसके लिए जर्मनी के लिए जी कर दीजिएगा, और जापान के लिए जा, और फ्रांस को फ्रांसी रहने दीजिएगा, और इसको अमेरिका को आई कर दीजिएगा। काफी अच्छा फॉर्मूला हो जाएगा, ये कभी नहीं भूलिएगा। कई बार जीजा फ्रांस आए, बहुत आसान है, एक बार में याद हो जाए। फॉर्मूला कैसा भी हो बस याद होना चाहिए, ठीक है, ये आपको आसानी से याद रखेगा। हाँ, सबमिट को जरूर एक बार याद कर लीजिएगा, आगामी एग्जाम में यहां से सबमिट पूछ सकता है, ठीक है। G8 के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।